भाभी सुनो तो, भाभी करवा लो ना वैक्सीन, क्यों नहीं करवाई आपने? मैं नहीं करवाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि पंचम जी को बाल बहुत पसंद है ना। हाय हाय, बड़े गंदे हो यार आप लोग। सुनीता क्या कर रही तू यहाँ पे? अरे देखना भाभी वैक्सीन ही नहीं करवा रहे यार। अरे भाभी की वैक्सीन छोड़, वहाँ जीजा जी की वैक्सीन करने वाले मेरे पापा। आपके पूरे खानदान को वैक्सीन करने का शौक है क्या? यार भाभी कभी तो मतलब समझ लिया करो। मेरा मतलब ये है कि जीजा जी का ईमानदारी का टेस्ट लेने वाले मेरे पापा। ईमानदारी का टेस्ट लेने वाले? अरे हाँ, मैंने उनको देखा, वो दुकान में ना ढेर सारे पैसे रख रहे थे। फिर मम्मी बताई थी कि वो जीजा जी का टेस्ट लेने वाले ईमानदारी का। भाभी सच्ची सच्ची बताना, क्या जीजा जी ऐसी वैसी हरकत कर सकते हैं? ना जी वो तो बहुत ईमानदार है। लेकिन क्या है ना जी, गरीबी उस बिगड़ैल औरत की तरह है जिसके चक्कर में शरीफ आदमी भी गुंडा लुच्चा बेईमान बन जाता है जी। यार मतलब जीजा जी के कैरेक्टर का पजामा ढीला है ना जी। पजामा तो बहुत टाइट है, लेकिन क्या है ना जी, लालच की कैंची कब उनके पजामे की इलास्टिक को काट दे ये नहीं कह सकते। अरे यार सुनीता, मामला तो 50-50 है। एक काम करते हैं, हम ना जीजा जी को सब कुछ पहले से बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि एक बार जीजा जी का ईमान डोला ना तो आप लोग यहाँ से डुल जाओगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। किलो सेल्फी। भाभी आप भी आ जाओ। हाँ जी, ग्रुप सेल्फी। आज इस लौंडे के बारे में पता लग जाएगा कि ये लौंडा बेईमान है या ईमानदार। अगर बेईमान निकला तो निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा इसको। सेठ जी, ये क्या है? सेठ जी, सेठ जी। अरे हाँ, अरे क्या हो गया नरोत्तम? सेठ जी पंचम। हाँ हाँ, जो भी है भाई तेरा नाम ठीक बता। हाँ क्या है? सेठ जी ये दही। हाँ हाँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चीजा जी चोर निकलेंगे ऐसे। सेठ जी भूल ही गया था, ये कुछ पैसे माँ कोने में पड़े हुए थे, पता नहीं किसके। अरे हाँ, हो मेरी जेब से गिर गए होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाभी वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, चीजा जी के कैरेक्टर का पजामा ज्यादा ही टाइट है। शेर जी, जय राम जी की। पिंकी जी बोल रहे हैं। जय राम जी की दरोगा जी। ये दरोगा कम घरेलू महिला यहाँ क्या कर रहा है? और बताइए आज हमारी तरफ कैसे आना हुआ? आज तो हम तलाशी लेने आए हैं। तलाशी लेने आए? किसकी तलाशी लेने आए? आपकी दुकान की तलाशी। हमारी दुकान की तलाशी क्यों लेने आए? सेठ जी हमें खबर मिली है कि चांदनी चौक में नकली नोटों की खेप आई है, बस उसी की तलाशी ले रहे हैं। सुनीता टंटे हो रखे, पापा ने आपके इस गले में नकली नोट डाले। आप दरोगा जी, आपको क्या लगता है कि वो नकली नोट हमने कहीं छुपा के रखे? अरे भाई हमने ऐसा कब कह दिया। अरे तो फिर आप हमारी दुकान की तलाशी लेने क्यों आए? अरे सेठ जी सिर्फ आपकी दुकान की तलाशी नहीं ले रहे हैं, चांदनी चौक में जितनी भी दुकान है ना सबकी तलाशी ले रहा है ये। जी ठीक है, आप ले लीजिए तलाशी, जाइए। अब हमारे सेठ जी कोई क्रिमिनल नहीं है। आप हमारे सेठ जी का अपमान कर रहे हैं और हमारे सेठ जी हमारे लिए पिता समान है। जाइए ले लीजिए तलाशी। और उसके बाद आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आपने क्यों झुका लिया? पापा पापा पापा, आपको पता है क्या हुआ है? वो जो आपका ये मंदाकिनी सोना छोटे है ना, जो कल उसने आपको पैसे दिए थे। छोटे ने मुझे कब पैसे दिए? अरे हाँ पापा, वो जो 2,500 रुपए जो आपने उधार दिए थे, वो कल जो उसने वापस आपको लौटाए वो वाले पैसे। पापा भी ना सब भूल जाते, नहीं सुन लो। भूल गया ना फिर से? अरे वही पैसे। लेकिन पता है पापा कितना बड़ा झोला है वो। अच्छा
अरे उसने आपको नकली पैसे पकड़ा दिए पापा। नहीं नहीं नहीं, अरे छोटे तो बहुत शरीफ आदमी है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। अच्छा अभी उसकी शराफत ना सबके सामने निकालती हूँ, रुको हड़ हड़ जीजा जी। हाँ यही तो है। पिंकी अंकल देखिए ये असली है या नकली। मंगिला चेक कर जल्दी चेक कर। अरे कैसे चेक करूं साहब, हाथ में गुल्ला है। अरे तो गुल्ला सेठ के हाथ में दे देना। सेठ जी पकड़ियो जरा। हैं साहब जे तो नकली है। चल मंगीलाल छोटे को जाके पकड़ते हैं। जी सेठ जी गुल्ला दियो। गुल्ला गुल्ला गुड कैच। चलिए अरे इलायची बेटा तूने तो आज मुझे बचा लिया। इलो सेल्फी। अरे बेटा सेल्फी में तो मैं भी आऊंगा। छोटे बुरा मत मानियो, एक बात कहना चाह रहा हूं तुझसे। आज तेरे हाथों में ना वो कशिश ना है जो अक्सर होती है। क्या बात है, तबीयत भी तो ठीक है तेरी। सेठ जी तुम्हारी लड़की ने ठीक ना किया। क्या कर दिया मेरी लड़की ने? तुम्हारी आफत मेरे गले बांध दी। तुम एक बात बताओ हमें, हमने तुम्हें कब नकली नोट दिए? दिए कभी नकली नोट दिए आज तक? ना ना, तूने मुझे कभी नकली नोट ना दिए। फिर कैसे उसने सीधा सीधा मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसे नकली नोट दिए? अरे चल कोई बात ना, इलायची तो गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। मांग रहा हूँ तुझसे माफी। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा, वो हवालात में तो ले गया ना मुझे दरोगा काइया, कूट लिया ना उसने तो मुझे। तो पिंकी ने तुझे कूटा? कूटा सेठ जी, ऐसा कूटा, ऐसा कूटा, मेरे मार मार के मेरी रेल बना दी। आलू टमाटर बैगन सब मेरे मुंह पे फेंक फेंक के मारे, मुंह अभी दर्द कर रहा है। लौकी रखी थी वो मुंह पे नहीं फेंकी, लेकिन उसका अलग से यूज कर लिया। लेकिन एक बात बता छोटे, तुझे छोड़ा कैसे? तुझे दूसरा मुजरिम पकड़ा गया। लेकिन इतना काइया है सेठ जी, उसने गिन के मुझसे हजार रुपए रखवा लिए। क्यों हजार रुपए क्यों रखवा लिए तुझसे? कहने लगा छोटे तुझे पीटने के चक्कर में मेरी सब्जी बर्बाद हो गई। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जो लड़की है ना बहुत आफत की पुड़िया है वो। मैं कसम से कह रहा हूँ टाइम रहते उसकी शादी कर दो, हाथ पीले कर दो उसके तुम। क्यों बे छोटे, तुझे मेरे हाथ पीले कराने की बड़ी चलती है? जैसे ये नहीं तू मेरा बाप हो रखा है। अरे मैं ऐसी बिगड़े लड़की पैदा ना करता। हाँ हाँ तू तो भगवान जी का भतीजा हो रखा है ना, कि बच्चे तेरे मुताबिक पैदा होंगे। कैसे बातें कर रही है दुलाई जी? देख रहे सेठ जी बड़ों से बात करने का तरीका तक ना मालूम इसे। हाँ हाँ बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे पापा का पापा हो रखा है। अरे अपनी ज़बान को लगाम दे। जा स्कूल जा जा। हाँ हाँ जा रही हूँ, पहले आ जाने का किराया दो दो। ले जा जा। ये क्या है भीख? चलो जल्दी से 200 रुपए निकालो। अरे 200 रुपए क्यों, हेलीकॉप्टर से जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, आज हेलीकॉप्टर की स्ट्राइक है तो सोच रही हूँ उड़ के चले जाऊँ हवाई जहाज से। नहीं हमेशा उल्टी तरह से बात कर रही हो अपने बाप से। तुम भी तो अजीब सी बातें करते हो ना। देखो 200 रुपए में कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं आने वाला, लेकिन टैक्सी से जाऊंगी, लेट हो रही हूँ प्लीज। ना टैक्सी से ना जाएगी, बस से जाइयो तू जा। ठीक है नहीं जा रही हूँ। वो क्या है ना आज स्कूल में ना बहुत जरूरी टेस्ट है, अगर टेस्ट में नहीं बैठी ना तो फेल हो जाऊंगी फिर से। और फिर से जो तुम्हारा 11वीं पास करने के बाद मेरे हाथ पीले कराने का प्लान है ना वो टल जाएगा। ज्यादा नहीं बस 1 साल और। छोटे 200 रुपए दियो, मेरे पास छुट्टे नहीं है, है? वो 2000 का नोट है दे दे। लहंगे तुम बेचो, छुट्टे हमसे चाहिए। अरे दे तो। लो ये पकड़ो। ले ये नकली तो नहीं है ना, असली है ना? थैंक यू पापा, लाइफ में टंटे हो रखे। अरे कोई टंटा ना हो रहा यहाँ, जा स्कूल जा। बना गई फिर से सेठ जी, तुम्हें क्या लग रहा है टेस्ट देने गई हो? वो पैसे ले लिए चुपचाप, अब फिल्म देखेगी आराम से। अरे ना स्कूल गई है संडे को।
अरे सेठ जी तुम जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये ले भाई नाग देवता की आरती ले ले। ओहो जय हो नाग देवता की, प्रभु भला करना। अबे ये क्या कर रहा है? अबे नाग देवता का प्रसाद ले रहा हूँ। नाग देवता का झूठा है, पिएगा तो टैब बोल जाएगा। अबे साले फिर ये लेके क्यों आया, सेठ जी के लिए? ये हमारे कमरे में छिड़कने के लिए, इससे हम दोनों को तरक्की मिलेगी, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो पूरा होगा। अबे तो जल्दी छिड़क 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 जल्दी छिड़क। जय हो जय नाग देवता, जोर से बोलो जय नाग देवता। साइड वाले जय नाग देवता, पीछे वाले जय नाग देवता। हे प्रभु जरा जी जी छत पे जी जी, अभी सुबह सुबह कहाँ भाग के चले गए थे? नाग देवता के मंदिर गए थे। अरे वाह, मतलब आप तो नाग देवता के भक्त हैं, पुजारी हैं। जी नाग देवता हमारे कुलदेव हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाभी फिर उन्होंने तो भजन भी लिखा होगा, है ना? नहीं, हमने भजन नहीं लिखा। क्यों? मतलब जिसके पुजारी है उसके लिए भजन नहीं लिखा, ये क्या बात हुई जीजा जी? नहीं, हमें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला तो हमने नहीं बनाया। अभी देख रही हूँ आपके पति कितने लालची, मतलब प्रोड्यूसर बोलेगा तो ये भजन लिखेंगे। अरे कहाँ की श्रद्धा, कहाँ की भक्ति, सब झूठा है। जी मेरे ख्याल से आपका स्कूल जाने का समय हो गया, असेंबली का समय हो गया, आप लेट हो रही होंगी, बच्चे वेट कर रहे होंगे। लेट ना मैं आप ही की वजह से हो रही हूँ। वैसे जीजा जी हमारी वजह से कैसे लेट हो रही हैं आप? वो आपने मुझे गाना नहीं सुनाया इसलिए। नहीं, हम गाना नहीं सुना सकते। क्यों? हमारी मर्जी। जीजा जी तो आप पंगे ले रहे हो मुझसे, मैं बता रही हूँ। जी ऐसा है तो ऐसा ही सही। क्या जी? रुको अभी रुको, पापा को बुलाती हूँ तब पता चलेगा। अच्छा, नहीं आप तकलीफ मत करिए, हम ही बुला देते हैं सेठ जी को। सेठ जी क्या, सेठ जी क्या, सेठ जी, सेठ जी, जी बिल्कुल हमें परेशान। आपकी बेटी हमें परेशान करने की देखो, ठीक है जा रही हूँ मैं, ठीक है कुछ बोला मत। और हाँ याद रखना, आपने ना मुझसे पंगा ले लिया है, खामियाजे भुगतना पड़ेगा, आपको बता रही हूँ। हाँ नहीं तो देखिए लाची जी, हम आपसे कोई डरते थोड़ी ना, हम नहीं डरते। हाँ क्या करिए आप? अरे 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 यार क्या पागल औरत है यार, हमें डर नहीं लगता आपसे। डरेंगे तो आपके फूफा जी भी आ नहीं तो। साले क्यों पंगे ले रहा तू, गाना सुना देता तो। अबे बुबू हम किसी से डरते नहीं है, हमारी कला किसी की गुलाम नहीं है, बिकाऊ नहीं है, हम कलाकार हैं, कलाकार और संगीतकार हैं, तो क्या कहीं पे भी गा देंगे? जय नाग देवता, हमें जल्दी म्यूजिक डायरेक्टर बनाना। हाँ जल्दी बनाना। जय हो। वो सेल्फी क्वीन, चलना नहीं है क्या स्कूल? चलो आ गई तू, मैं तेरा ही वेट कर रही थी, पता है तू लेट है, मैं नहीं हूँ। हेलो आज ना तो थोड़ी अपसेट लग रही है, क्या हुआ? थोड़ी नहीं, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों क्या हो गया? जीजा जी के साथ कोई पंगा तो नहीं हो गया कहीं? और किसके साथ हो सकता है? पहली बार तेरी इलू को ना मैदान छोड़ के भागना पड़ा है। इलू ये ना तेरी शान के खिलाफ हो गया एकदम। हाँ और तभी तभी ये बात मुझे खाए जा रही हो, मैं इस बात के साथ जी नहीं सकती हूँ, बता रही हूँ मैं। लेकिन अब तू करेगी क्या? मैं भी ना जीजा जी को ऐसा डराऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, तू देखना। पर क्या कैसे? भूत बन के सोचने दे मुझे। हेलो हाँ हाँ मास्टर जी, वो नागन वाली सारी ड्रेसेज आ गई हैं। अरे भाई 5-7 और बनवा डालिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बनवा के भेज दीजिए। सुनो आइडिया आ गया, कहाँ से? मुझे क्यों नहीं आते ऐसे आइडिया? अरे तू चलना मेरे साथ। अच्छा 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 कहाँ? अरे इधर आना भैया। अभी वो आप नागिन वाली ड्रेस की बात कर रहे थे, वो है आपके पास? हाँ हाँ है। बढ़िया है, तो उसका किराया कितना होगा?
आपकी दुकान है, ले जाइए, कम में लगा देंगे। क्यों कम पे लगाएगा? तेरी बहन लगती हो क्या? नहीं नहीं, मुरारी चाचा की बेटी है ना, बस इसीलिए। तो ठीक है, तो एक काम करो भैया, वो ड्रेस तो दे दो और उसके साथ ना ब्लू वाले लेंसेज भी दे देना, वो नागिन वाले। हाँ? और एक रबर का सांप भी दे देना। हाँ, ठीक है ठीक है। इलो सेल्फी। बेटा जे बात तो पक्की, जो बता दिया वो बता दिया। तो मौसा तुम्हारा जी कहने का मतलब हो रहा है कि मेरी दो दो शादियां होंगी? यहाँ एक बार ही बढ़ रही है, तू दो दो की बात कर रहा है। अरे आओ सेठ जी, बैठो बैठो। हाँ भाई सेठ जी। हाँ जी, हमारे मौसा हैं, हापुड़ वाले छन्नी लाल, कमाल की ज्योतिषी हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते मौसा जी। सेठ जी मुरारी। अच्छा। अरे हाँ, हमारी दुकान पे आते ही रहते हैं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ सेठ जी, मौसा ने जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरा हाथ देख के ही बता दिया था कि जे लौंडा तो उस तरह कैंती लेके ही पैदा हुआ है। क्या बात कर रहा है, देखो आज चकाचक चल रही है। हाँ तेरे बारे में तो बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है। क्या बात कर रहा है भाई, वाह बहुत बढ़िया। तो हमारे बारे में बताइए कि हमारा भविष्य कैसा है। अच्छा जी, ये बात है। हाँ आपके बारे में बता देते हैं मुरारी जी। क्या बात है भाई, आपकी हाथन की रेखा तो बता रही है कि आपकी जो जिंदगी है वो लहंगो में उलझी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौसा, तुम ये लहंगे ही में उलझे हैं। मतलब मेरा ये हो रहा है कहने का कि इनकी लहंगे की दुकान है। अच्छा, मन पसंद बीवी ना मिली, थोपी गई है। सपने तो देख रहे थे मुनमुन के, मिल गई टुनटुन। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना। अरे वो सब छोड़ो पंडित जी, ये बताओ कि हमारा भविष्य उज्जवल है या नहीं? भविष्य तो उज्जवल है जी, बहुत बढ़िया है भविष्य है। लेकिन हाथन की रेखा बता रही है कि सर्पयोग है। सर्पयोग? हाँ, हमारे हाथन की रेखा ये बता रही है कि सांपों से बच के रहना चाहिए, सांप डस सकते हैं तुम्हें। क्या 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 कह रहे हैं आप? हाँ सेठ जी, मौसा जो कह रहे हैं ना वो मानो तुम, इनकी भविष्यवाणी झूठ ना जाती कभी। हाँ और इलायची कैसी है? हाथ तैरेगी। अरे इसके बारे में बताओ। नमस्कार पंडित जी। क्या हुआ? निहायती बकवास, थोड़ी फील ला, थोड़ा महसूस कर, थोड़ी ठीक आग ला। ठीक है ठीक, शांत हो जा। हाँ। आग लगाते हैं। हाय। एक काम कर भाई, आग थोड़ी कम कर ले। यार तू बीच में टोका ना कर। चीचा जी, चीचा जी, भाभी। प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम प्रणाम। सुनीता जी आप यहाँ पर हमारे कमरे में, आपको इलायची जी ने भेजा है, क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए था ना वो हो गया। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए था और क्या हो गया? पिट्टू भाभी इलायची। क्या हो गया इलायची जी को? मैं ना अभी अभी उसकी कमरे से होती आ रही हूँ और ना इलू अजीब सी हरकतें कर रही है। कैसी हरकतें? मैंने उसे ना दूध ऐसे करते पीते हुए देखा। अरे इसमें कौन सी घबराने वाली बात है, वो इलायची जी है, इलायची जी तो कैसे भी दूध पी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? जीजा जी, सिर्फ दूध की बात नहीं है, आज मैंने इलू का एक ऐसा रूप देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कैसा रूप सुनीता जी? ऐसा रूप जिसे अगर आप देखेंगे ना तो आप भी मेरी तरह दो मिनट के लिए चक्कर खा के गिर जाएंगे जीजा जी। हाय, कैसा रूप देख लिया आपने? भाभी I just can't explain. आप लोग ना मेरे साथ चलो प्लीज, आप लोगों को देखना पड़ेगा। सुनीता जी आप घबराइए मत, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम इलायची जी के सारे रूप देख चुके हैं। अब पता नहीं आप कौन सा अनोखा रूप दिखाने जा रही है, पर हम देखेंगे जरूर। आप चलिए। चलिए चलिए चल बे। आप मेरा मतलब है बुबू चले। चलो चलो चलो। सुनीता जी गाना सुनती आई। बिल्कुल आवाज मत करिएगा ठीक है, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम उसे देख रहे हैं। इलायची जी दूध पीती बच्ची तो है, इलायची जी ऐसा कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.